सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी सेक्रेटरी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी सेक्रेटरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महासागरीय जलधाराएं के बारे में, ओशियन करंट। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ज्योग्राफी का, तो ध्यान से आप लेक्चर को देखिएगा। हम आज के इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ग्राफ के माध्यम समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि महासागरीय जलधाराओं के नाम जो है वो काफी डिफिकल्ट है और हम ऐसे याद करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम ग्राफ से उनको याद करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके बाद में आपको खुद को फील हो जाएगा कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप 100% ये क्वेश्चन सही करके आओगे। दोस्तों, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है, जो लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखे गए एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इस वीडियो में हम तीन महासागर की बात करेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इन तीन महासागर में बहने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं की हम बात करेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत ये आती है कि कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए एक लाइन दिख रही होगी बीच में सेंटर में। ये लाइन जो होती है ये क्या कहलाती है, इक्वेटर बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0° अक्षांश। इसके समानांतर खींची गई रेखा सारी जितनी भी है ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अब देखिए, ये भूमध्य रेखा है और ऊपर आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ध्रुव है, पोल है। तो जब भी हम बात करेंगे कि जलधारा जो है वो बह रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। तो चूंकि भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बह रही है तो कौन सी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। और अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहेगी तो वो जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। तो ये बहुत सिंपल है, ध्रुव चूंकि ठंडे होते हैं तो वहां से अगर जलधारा आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी होगी। भूमध्य रेखा से जलधारा जा रही है वो कैसी होगी, गर्म होगी। तो इतना सा हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध जो है यहाँ पर जो जलधारा बहती है उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, बिल्कुल क्लॉकवाइज होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जो जलधारा बहती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब हमको एक चीज और ध्यान रखना है, दिशा वाली चीज भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का पीछे वाला ये क्या कहलाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही देखिए, अफ्रीका में ये जो आगे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, पूर्वी अफ्रीका, और ये पीछे वाला पश्चिमी अफ्रीका कहलाता है। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, पूर्वी कौन सा और पश्चिमी कौन सा है, क्योंकि ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा याद रखने में। तो बस ये कुछ बेसिक्स थे जो हमको पता होना चाहिए, अब आप आसानी से सब कुछ समझने लग जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंद महासागर में बहने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं की। तो हिंद महासागर देखिए मैप में कहां पर पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका के देखिए यहां पर बीच में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, 0° अक्षांश बोलते हैं इसको। अब 0° अक्षांश से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये 0° से बढ़ता जाता है, 10°, 15° ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बढ़ता जाता है। तो 0° से लेकर 10° के बीच में जो जलधारा बहती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, ये कौन सी कहलाती है, ये जलधारा कहलाती है दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है, और ये गर्म जलधारा होती है। अब जैसे ये जलधारा आगे बढ़ती है तो देखिए, अफ्रीका द्वीप होने की वजह से जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक ऊपर वाली जो जलधारा दिख रही है आपको वो क्या कहलाती है, अगुलहास जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है, अगुलहास। नीचे वाली जलधारा है वो क्या कहलाती है, मोजम्बिक जलधारा कहलाती है। अब देखिए, नाम याद करने की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कौन सा नाम आपको याद करना है ये मैं बता दूंगा, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप खाली देखते जाइए, सारा इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगुलहास जलधारा हो गई ऊपर वाली, नीचे वाली मोजम्बिक जलधारा। फिर ये जलधारा आगे बढ़ती है और देखिए पूरब की ओर मुड़ जाती है, और ये क्या कहलाती है, दक्षिणी हिंद प्रवाह कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिणी हिंद प्रवाह कहलाती है। जैसे ही ये जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है ये वापस से उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और क्या कहलाती है ये जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तक आपको दक्षिणी विषुवत जलधारा से बताया था मोजम्बिक जलधारा तक, तो ये सारी डायरेक्शन कैसी जा रही थी,
ये जा रही थी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही थी, पर एक जो आपको दिखी अभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई है? ध्रुव से लेकर कहां तक? भूमध्य रेखा तक इसकी डायरेक्शन हो गई है। तो ये जो जलधारा ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि ध्रुव से देखिए डायरेक्शन इसकी है, और जिसकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा से है वो सारी गर्म है। तो अगुलहास जलधारा गर्म है, मोजम्बिक जलधारा ये भी गर्म है, दक्षिणी विषुवत जलधारा ये नेचुरली गर्म है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। और यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है वापस से क्या करती है? दक्षिणी विषुवत जलधारा को क्या करती है? धकेलती है। तो इस तरीके से ये हिंद महासागर में होने वाली जलधारा सारी मैंने आपको बताई है। इसमें हमको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि ये ठंडी है और सारी हम ठंडी ही जलधारा याद करेंगे। सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हमको ठंडी जलधाराओं के बारे में अगर पता रहेगा, जो कि बहुत ही कम है। हमको बस वो ध्यान रखना है, उसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहला हमको हिंद महासागर में मिल गई कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। तो देखिए अटलांटिक महासागर में दो भाग है, एक ऊपर वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो है ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये सेंटर वाली जो लाइन जा रही है आपको, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इससे जस्ट ऊपर 10 डिग्री तक जो जलधारा बहती है वो क्या कहलाती है? उत्तर विषुवत जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर विषुवत जलधारा। अगर मैं बोल रहा हूं नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण विषुवत जलधारा, सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर विषुवत जलधारा ऊपर बहती है। जैसे ही ये उत्तर विषुवत जलधारा आगे बढ़ते हुए 15 डिग्री तक पहुंचती है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका चला जाता है कैरिबियन सागर में और दूसरा भाग ऊपर की ओर जाता है जो कि है एंटलीज जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटलीज जलधारा कहलाती है। एंटलीज जलधारा जब आगे बढ़ती है तो देखिए फ्लोरिडा यहाँ पर पास में पड़ता है, तो फ्लोरिडा जलधारा यहाँ से आती है, फ्लोरिडा खाड़ी से, और इस एंटलीज जलधारा के साथ मिलती है और क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, क्योंकि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है ये। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो फ्रेंड्स देखिए जितनी भी मैंने आपको बताई अभी तक जलधारा, इन सबकी डायरेक्शन कैसी है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, मतलब सारी गर्म जलधारा है। अभी तक हमने कोई ऐसी जलधारा नहीं डिस्कस करी है जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए। तो जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है ये सारी गर्म जलधारा है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर है। फिर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आगे बढ़ती है तो देखिए ऊपर से एक कहां से? बेफिन की खाड़ी से लेब्राडोर जलधारा आती है। कौन सी? बेफिन की खाड़ी से लेब्राडोर जलधारा आती है और ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिल जाती है और यहाँ पर फोक का निर्माण करती है। कहाँ पर फोक का निर्माण करती है? देखिए फोक का निर्माण, और ये फोक का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर मछली पालन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत सुटेबल कंडीशन होती है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रैंड बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड बैंक बोला जाता है इसको। तो ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए लेब्राडोर जलधारा जो है इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ये कौन सी होगी? ठंडी जलधारा होगी। जब ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है और फिर आगे की ओर बढ़ती है तो क्या कहलाती है? उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। अब यहां पर आकर ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह जो है ये तीन भागों में बढ़ जाती है जलधारा। तो एक जाती है देखिए ये आइसलैंड के बिल्कुल नीचे से होकर जाती है, ये कहलाती है इरमिंजर जलधारा। कौन सी? इरमिंजर जलधारा कहलाती है, जो आइसलैंड के नीचे से होकर जाती है। एक जो है देखिए फ्रांस और स्पेन के इधर से होकर निकल जाती है, ये कहलाती है रेनेन जलधारा। और एक जलधारा जो भूमध्य रेखा की ओर जाती है वो क्या कहलाती है? कनारी जलधारा कहलाती है। कौन सी? कनारी जलधारा। तो इसमें देखिए कनारी जलधारा की डायरेक्शन कैसी है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, तो ये कैसी है जलधारा? ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो मैंने आपको दो बताए, ठंडी जलधारा, एक लेब्राडोर जलधारा जो हमको ध्यान रखना है, और एक कनारी जलधारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर ये दोनों आपको दिमाग में रहेगी तो आपका सारा काम हो जाएगा। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि लेब्राडोर जलधारा जो है वो कौन से महासागर में है, तो हमको ये सब इमेजिनेशन से याद होगा। अगर हम ऐसे याद करेंगे कि लेब्राडोर जो है वो कहाँ पर, अटलांटिक में, तो आप दो दिन बाद भूल जाओगे। तो हमको क्या करना है? सारा डायग्रामेटिकली याद करना है। तो फ्रेंड्स इसमें तीन जो है मैं आपको बता देता हूँ, इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और कनारी जलधारा। कनारी और लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस करा उत्तरी गोलार्ध, अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक में जो जलधारा बहती है वो क्या कहलाती है? दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है।
क्या कहलाती हैं? दक्षिण विषुव जलधारा कहलाती हैं। ठीक है, ये जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं तो पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के पास जाकर क्या हो जाती हैं, ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। और चूंकि यहाँ पर देखिए ये पूर्वी में क्या है, ब्राजील है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, ब्राजील जलधारा कहलाती हैं। देखिए ब्राजील जलधारा कहलाती हैं। इनकी डायरेक्शन कैसी है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो गर्म जलधारा होगी। फिर ये ब्राजील जलधारा जब आगे बढ़ती है तो देखिए दोस्तों नीचे से एक जलधारा ऊपर की ओर आती है, फॉकलैंड जलधारा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉकलैंड जलधारा बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसी है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, इसलिए ये कैसी है, ठंडी है। तो जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती है तो यहाँ पर देखिए ये फोक का निर्माण करते हैं। और ये भी क्षेत्र जो है ये मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। फिर यहाँ पर देखिए गर्म ठंडी जलधारा जब आगे बढ़ती है तो क्या कहलाती है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। फिर ये आगे जाकर उत्तर की ओर वापस से मुड़ जाती है और देखिए क्या कहलाती है, बेंगुएला जलधारा कहलाती है। और ये बेंगुएला जलधारा की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, इसलिए ये जो है ये कैसी है, ठंडी जलधाराएं। तो इसमें दो जलधारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है, एक फॉकलैंड जलधारा और एक बेंगुएला जलधारा। ये दोनों जलधारा जो है इनकी डायरेक्शन ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, इसलिए ये दोनों जलधारा जो है ठंडी जलधाराएं। फिर बेंगुएला जलधारा जो होती है ये किसको धकेलती है, दक्षिण विषुव जलधारा को धकेलती है। तो इस तरीके से ये सारा हमने कवर करा अटलांटिक महासागर का। इसमें हमको जो ध्यान रखना है वो देखिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्म जलधारा है, लेब्राडोर और कनारी जलधारा ये दोनों जो है ठंडी जलधारा है उत्तर गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो फॉकलैंड जलधारा और बेंगुएला जलधारा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बेंगुएला जलधारा जो है ये कौन से महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये बेंगुएला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा आपको ध्यान रखना है। तो ठंडी ठंडी जलधारा सारी ध्यान रख लेंगे तो आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए, अभी मैंने आपको बताया कनारी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर विषुव जलधारा, इन चारों जलधाराओं के बीच में शांत जल के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सार्गेसो सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सार्गेसो सागर जो है वो कौन से महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक और पॉइंट सुनिए, इस सागर का नाम सार्गेसो क्यों रखा गया, क्योंकि इसके तट पर क्या होता है कि मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं, सार्गेसम बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सार्गेसो सागर रख दिया गया। और सबसे पहले इसको स्पेन के नाविक ने देखा था। तो इससे रिलेटेड इतने पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ये कौन से महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में, और चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य कौन सागर स्थित है, सार्गेसो सागर। तो यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं की। तो चलिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो लोकेशन है प्रशांत महासागर की, ये मैप में कहाँ पर आती है, एक तरफ इसके आते हैं उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, और दूसरी ओर इसके पड़ते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बीच में प्रशांत महासागर स्थित है। भूमध्य रेखा जो है प्रशांत महासागर को दो पार्ट में बांटती है, उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। तो देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है हमारा भूमध्य रेखा, इससे 10 डिग्री अक्षांश तक जो जलधारा बहती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर विषुव जलधारा बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया है मैंने, ये जलधारा जो होती है ये आगे बढ़ती है और एशिया के स्थित होने की वजह से ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, मतलब उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और क्या कहलाती है, क्यूरेशियो जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्यूरेशियो जलधारा कहलाती है। ओके, ये क्यूरेशियो जलधारा जो है ये आगे जाती है, और देखिए यहाँ पर पास में इसके जापान पड़ता है, तो जापान सागर में इसका एक पार्ट चला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सुशीमा जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुशीमा जलधारा बोलते हैं। और क्यूरेशियो जलधारा आगे बढ़ती है और ऊपर से आने वाली ओयाशियो जलधारा के साथ में मिल जाती है। ये ओयाशियो जलधारा जो है इसकी डायरेक्शन कैसी है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जब ये ठंडी और गर्म जलधारा आगे बढ़ती है तो क्या कहलाती है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह कहलाती है। और इसी उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह में देखिए बेरिंग जल संधि से ऊपर की ओर एक जलधारा आती है, क्यूराइल जलधारा आती है, जो कि उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह के साथ में मिल जाती है। ये क्यूराइल जलधारा जो है इसकी देखिए डायरेक्शन कैसी है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर है, तो ये ठंडी जलधारा है। ओके, तो ओयाशियो जलधारा और क्यूराइल जलधारा जो है दोनों ठंडी जलधारा है, बाकी सारी गर्म जलधारा है। आगे बात करते हैं, ये उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह आगे बढ़ते हुए दो पार्ट में बढ़ जाता है,
एक देखिए अलास्का की ओर चला जाती है जलधारा, उसे क्या बोलते हैं, अलास्का जलधारा बोलते हैं। और एक दक्षिण की ओर आ जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया जलधारा बोलते हैं। अब देखिए कैलिफोर्निया जलधारा की डायरेक्शन कैसी है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, तो ठंडी जलधारा है ये। तो हमको तीन ध्यान रखना है, ओयाशियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा, ये तीनों जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध की सारी जलधाराएं कंप्लीट होती हैं प्रशांत महासागर की। अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश से अगर 10 डिग्री अगर हम अक्षांश की बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पर जो जलधारा बहती है वो क्या कहलाती है, दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है। ठीक है, और ये आगे बढ़ती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ क्षेत्र से देखिए घूम जाती है किधर की ओर, दक्षिण की ओर, और क्या कहलाती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो यह गर्म जलधारा है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो हमने अभी पढ़ी हिंद महासागर में वो ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत कंफ्यूज करती है सबको, तो हमको ट्रिक के माध्यम से याद है तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे बात करते हैं हम कि ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है ये आगे बढ़ के क्या कहलाती है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहलाती है। और ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका जो है इसके पश्चिमी तट से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो चूंकि यहाँ पर पेरू देश है इस वजह से ये क्या कहलाती है, जलधारा पेरू जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरू जलधारा कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं। तो एग्जाम में देखिए अभी क्वेश्चन बना था ये वाला कि हम्बोल्ट जलधारा जो है वो कौन से महासागर में स्थित है, तो कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये पेरू जलधारा जो है आगे चलकर दक्षिण विषुवत जलधारा को धकेलती है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी प्रशांत महासागर की जलधाराएं कंप्लीट करी है। इसमें जो हमको ध्यान रखना है वो कौन सी है, देखिए दक्षिण की बात करें तो हम्बोल्ट जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, इसको हमको ध्यान रखना है। और अगर उत्तर की बात करते हैं हम तो देखिए ओयाशियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा को हमको दिमाग में रखना है बस। अब जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा डायग्रामेटिकली बताया, तो आपके दिमाग से ये नहीं जाएगा, सारा दिमाग में आपके बिल्कुल इमेज सेट हो चुकी है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं बोलता हूँ कि कॉपी में एक लाइन खींचिए सेंटर में, उसको भूमध्य रेखा मानो, और उसके बाद एक प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से कौन सी जलधारा जो है वो कहाँ प्रवाहित हो रही है। एक बार अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद आपका लाइफ टाइम का काम हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो फ्रेंड्स चलिए हमने अच्छे से समझ ही लिया इसको, अब हम एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट है वो। लास्ट ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन हम उस टेस्ट में सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट में आपको मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 20 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं, तो किसे कहते हैं, क्यूरोशियो जलधारा को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, तो हम्बोल्ट की जलधारा किसे बोलते हैं, पेरू की जलधारा, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, तो ये सभी इसके बिल्कुल सही आंसर है, तो उपयुक्त तो सभी डी आंसर सही होगा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती हैं, तो देखिए समुद्र की गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों की ओर आती हैं, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, तो सार्गेसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं, और ये किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी बहती हैं, फ्लोरिडा धारा, ये तो उत्तर अमेरिका का है तो ये तो हो ही नहीं सकता, केनारी धारा ये भी उत्तरी गोलार्ध में बहती है, हम्बोल्ट धारा बिल्कुल पेरू हम्बोल्ट प्रशांत महासागर हमने पढ़ा है, तो आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम्बोल्ट धारा कहते हैं, पेरू धारा, बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ब्राजील धारा भी पाई जाती है, पेरू धारा ये देखिए प्रशांत महासागर में पाई जाती है, हम्बोल्ट धारा, तो सी आंसर इसका सही होगा, जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
इनमें से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं, देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूराइल ये ठंडी जलधाराएं, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ये तो कट गए। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील, ये तीनों जो है ये गर्म जलधाराएं, तो आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, देखिए अटलांटिक महासागर संबंधित नहीं है, तो रेनेल बिल्कुल संबंधित है, इरमिंजर ये भी संबंधित है, केनारी ये भी संबंधित है ठंडी जलधाराएं, कैलिफोर्निया धारा तो ये प्रशांत महासागर की धाराएं, तो ये अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधाराएं, देखिए ठंडी जलधारा कौन सी है, क्यूरोशियो गर्म जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, रेनेल भी गर्म है, लेब्राडोर ये है ठंडी जलधारा, तो बेफिन की खाड़ी से आती है ये, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, देखिए ठंडी जलधारा नहीं है, फॉकलैंड धारा ये बिल्कुल ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी ठंडी है, कैलिफोर्निया धारा ये भी ठंडी है, अगुलहास धारा ये हमने हिंद महासागर में पढ़ी थी गर्म जलधारा है वहां की, तो डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधाराएं कौन सी बहती हैं, बेंगुएला जलधारा बहती है वहां पर, तो ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी शीत समुद्री धाराएं, तो देखिए ब्राजील धारा गर्म जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, क्यूरोशियो भी गर्म है, हम्बोर्ट धारा मतलब पेरू धारा जो है ये शीत समुद्री धारा है मतलब ठंडी जलधाराएं, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बेंगुएला धारा है गर्म महासागरी धारा है, ठंडी महासागरी धारा है, बिल्कुल ठंडी महासागरी धारा है बेंगुएला धारा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है ये, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो रेनेल अटलांटिक महासागर की है, तो ए आंसर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धाराएं, उष्ण महासागरीय मतलब गर्म महासागरीय धाराएं, तो गल्फ धारा जो है ये बिल्कुल गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर में, तो ए आंसर बिल्कुल सही है, ये एसएससी का भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसके पूर्व में जो धारा बह रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ है, ध्रुव की तरफ है, तो ये गर्म हो गई पूर्व वाली, तो पश्चिम में कैसी है, ऐसी है मतलब ध्रुव से किधर जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, मतलब ठंडी जलधारा होगी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा तो ठंडी जलधारा होती है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ए आंसर है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है अभी का, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक बार आप खुद से टेस्ट लगाइए, और इस टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार खुद से लगाएंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।